किसी लोगों में मिलते तो मजहबी गुफ्तगू हुआ करती थी, यानी दीन के मामलात पर गुफ्तगू हुआ करती थी। तो हमारे कौम के एक बुजुर्ग शख्स जिनका नाम यासीन खान साहब था, आप एक पेशे से एक नवाब थे और अच्छे घराने से आपका ताल्लुक था, जब आप लोगों की मजलिस में बैठा करते थे तो दीनी गुफ्तगू हुआ करती थी। तो एक मरतबा उस गुफ्तगू के दौरान एक गैर मजहबी शख्स आता है जिसका नाम सूफी मियां था, वो शख्स आता है, वो भी दीनी गुफ्तगू कर रहा था। अब यासीन खान साहब में और सूफी मियां में एक दीनी टकराव होता है, दीनी गुफ्तगू बढ़ती है, वो बातचीत बहस में बदल जाती है। अब मोहतरम साहब, यासीन खान साहब जो थे, आप महदवियत की तालीमात बताते हैं, यानी तालीमात इमामाना महदी मौद इस्लाम को बताते हैं, और महदी मौद इस्लाम की जो जो भी तालीमात से बताते हैं, सूफीमियां कहने लगते हैं कि मुझे और महदवियत के ताल्लुक से बताएं, आपके जो इमाम महदी आकर चले गए हैं उनकी सीरत, उनके तालीमात में और जानना चाहता हूँ। तो उस वक्त यासीन खान साहब हमारे कौम के एक बुजुर्ग और मशहूर मुर्शिद जिनका नाम हजरत मुस्तफ़ा मियां साहब था, हजरत सैयद मुस्तफ़ा मियां साहब के पास यासीन खान साहब उस सूफी मियां को लेकर आते हैं। जब सूफी मियां उनके पास आ गए तो हजरत पीर मुर्शिद ने कुरानी आयात से और अहादीस मुबारक की रोशनी में उन्हें सुबूत महदी मौत इस्लाम देते हैं। अब मोहतरम साहब, वो तालीमात जानने के बाद सूफी मियां जो थे वो मुतफिक हो गए और कहते हैं कि आप ये जो भी सबूत दिए हैं अगर मुझे किसी पर्ची पर लिख कर दें तो मैं अपने उस्ताद जिसका नाम नूरी था, मैं अपने उस्ताद को बताकर इसकी तस्दीक करना चाहता हूं कि ये सही है या नहीं। अब मोहतरम साहब, जब बात उस्ताद की निकली है जिसका नाम अब्दुल करीम था, अब उसके ताल्लुक से भी मैं इसीलिए सुनाना चाहूंगा जो पस मंजर है वो आप तमाम को आसानी से समझ में आ जाए। अब मोहतरम साहब, अब्दुल करीम जो था वो बाकर वालों का आलिम था, वो गैर रियासती था, यानी हैदराबाद का नहीं बल्कि गैर रियासत से आकर यहाँ पर तालीम हासिल कर बादशाह के यहाँ एक बड़े मनसब पर फायज था। अब मोहतरम साहब, बादशाह के यहाँ वो अरबी पढ़ाने के लिए नामजद हुआ, मुतय्यन हुआ, वहीं पर अगर बादशाह को कोई दीनी फैसला लेना होता हो तो वो अब्दुल करीम से मशवरा लेकर वो फैसला लिया करता। मेरे हाल मोहतरम साहब, अब अब्दुल करीम के ताल्लुक से मैं ये बात भी आपको सुनाना चाहूंगा कि उसको उसकी शान में अगर कुछ चीज गलत की जाए तो उसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुआ करती थी। मोहतरम साहब, एक मामला यूं पेश आया कि बादशाह के यहाँ एक मुनीरुल मुल्क नामी शख्स जो बादशाह के यहाँ एक आला अहदेदार की हैसियत से काम करते थे, जिनके पास 10,000 लोग उनके हाथ के नीचे काम किया करते थे, 10,000 लोगों के आप कमांडर थे, आप शिया बरादरी से अपना ताल्लुक रखते। अब मोहतरम साहब, एक मरतबा मुनीरुल मुल्क में और अब्दुल करीम में दीनी टकराव होता है तो अब्दुल करीम उन्हें शिकस्त दे देते हैं, दीनी गुफ्तगू में हरा देते हैं, तो तमाम दरबार के सामने मुनीरुल मुल्क को माफी मांगना पड़ता है। अब मोहतरम साहब, दूसरी चीज ये हुई, दूसरा मामला ये पेश आया कि मुनीरुल मुल्क के लड़के से नवाब सिकंदर जा बहादुर की दुख्तर का निस्बत तय होती है। तो मोहतरम साहब, अब जो बादशाह था वो आलिम के पास जाता है, यानी अब्दुल करीम के पास जाता है, जाकर ये अर्ज करने लगता है कि अगर कोई शिया बच्ची, अगर कोई सुन्नी बच्ची की निस्बत शिया लड़के से होती है तो क्या उनका निकाह जायज है या नहीं। तो मोहतरम साहब, चूंकि मुनीरुल मुल्क से उसको दुश्मनी थी तो वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी लड़की को अगर किसी शिया लड़के के निकाह में दे रहे हो तो गोया वो ऐसा है कि तुम अपनी लड़की को खिंजीर के निकाह में दे रहे हो, तुम अपनी लड़की को खिंजीर के यानी बच्चनवर के निकाह में दे रहे हो। तो मोहतरम साहब, मुनीरुल मुल्क को बड़ी तकलीफ पहुंचती है और वो रिश्ता मुनीबत टूट जाता है। हम मोहतरम साहब, अब्दुल करीम जो था वो बड़ा शातिर और चालाक किस्म का इंसान था। मेरे हाल मोहतरम साहब, अब हजरत मुस्तफा मुबारक मियां साहब जो थे, आप पर्ची पर सारे सबूत अहादीस तमाम चीजें लिखकर सूफी मियां को दे देते। अब मोहतरम साहब, सूफी मियां जो थे और यासीन खान साहब, ये दोनों शख्स अब्दुल करीम के पास जाते हैं। उस वक्त अब्दुल करीम जो है आज मीराल मंडी जहां पर है वहां पर जुलूखाने की मस्जिद के नाम से एक मस्जिद मशहूर थी, वो वहां पर रहा करता था। जब
जुरू खाने में जाते हैं, नमाज जोहर के बाद जाकर आप सारा मामला सुनाते हैं, तो अब्दुल करीम कहने लगता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता। अगर ये हदीस किताब में दर्ज की गई है तो वो किताब मुझे लाकर बताओ, और वो किताब सहासिता की किताब होनी चाहिए, यानी जो ऑथेंटिक किताब होती है अहादीस मुबारका की, वो किताब तुम मुझे लाकर बताओगे तो मैं सूफी भी आ गया महरूम की तस्दीक में जिनाओं के इस्लाम से मुशर्रफ हो जाऊंगा। ये किसकी जुबानी थी? अब्दुल करीम जो बाहर वालों का आलिम था उसकी जुबानी थी। अब मोहतरम साहब यासिन खान साहब जो थे वो आते हैं हजरत पीर मुर्शिद मुस्तफा के आगे पास आते हैं, आकर सारा मामला सुनाते हैं, तो आप फरमाने लगते हैं कि मेरे पास फिल वक्त अहादीस मुबारका की किताब मौजूद नहीं है। अगर आपको अहादीस मुबारका की किताब चाहिए तो हमारे कौम के एक और मुर्शिद जिनका नाम हजरत सैयद नजमुद्दीन रोशनिया साहब खिबला है, आप उनके पास जाइए, आपको अहादीस की किताब मिल जाए। अब मोहतरम साहब आप जो थे हजरत यासिन खान साहब, अब देखिए सूफिया का जो जिक्र था वो वहीं तक था, अब यहाँ पर अब्दुल करीम की और यासिन खान साहब की गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी। आप हजरत नजमुद्दीन रोशनिया साहब के पास जाते हैं, वहां पर जाने के बाद आप सारा मामला सुनाते हैं, तो आप वो अहादीस की किताब को निकालते हैं, यानी सहासिता में से मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ ये दो कुतुब को निकालते हैं, निकालकर जहां जहां सुबूत मेहदी मोहम्मद अलैहि सलाम के ताल्लुक से अहादीस थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी मोहम्मद अलैहि सलाम के ताल्लुक से जो कुछ फरमाया था आप उसे नोट डाउन करते हैं, टिक मार्क करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जाओ और उस अब्दुल करीम को बताना कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी मोहम्मद अलैहि सलाम के ताल्लुक से पेशी गोई फरमाई। अब यासिन खान साहब वो अहादीस की किताब को ले लेते हैं, लेकर अब्दुल करीम के पास जाते हैं। अब्दुल करीम कौन? गैर मेहदवियों का बहुत बड़ा आलिम था। अब जब जाते हैं, जाकर वो अहादीस की किताब दी गई तो वो अहादीस की किताब को खोलता है, पढ़ता है और कहता है कि मैं इन अहादीस की किताब को नहीं मानता। अब आप देखिए वो गुस्ताखी पर उतर चुका। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर पर्ची पर हम कुछ भी लिख कर दें और कोई इंसान कहे कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें समझ में आ सकता है कि भाई इस पर्ची की कोई वैल्यू नहीं। मगर जब आपको किताब दी जा रही है, अहादीस की वो भी किताब दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि मैं इन अहादीस की किताब को नहीं मानता, तो आप गुस्ताख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे। तो बहुत इंसान जब किताब दी गई तो वो किताबों को भी रद्द करता है, कहता है कि मैं इन्हें नहीं मानता। तो यासिन खान साहब के देहों में तुमने तो वादा खिलाफी की है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वादा खिलाफों को मैं माफ नहीं करता। मोहतरम साहब ये कहना था, अब्दुल करीम गुस्से में आ जाता है और ये कहने लगता है कि तू झूठा, तेरा मजहब तेरी कौम झूठी और ये किताब भी झूठी, तू झूठा तेरी कौम झूठी और ये किताब भी झूठी, ये कहकर वो किताब को फेंक देता है। मोहतरम साहब यासिन खान साहब ये कहने लगते हैं कि तुम गुस्ताख है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुके हो, तुमने अहदीस की किताब को फेंक दिया, यहाँ पर बेहूरती की बात आ गई। ये कहना ही था। अब्दुल करीम जलाल में आ जाता है और यासिन खान साहब को मारने लगता है, क्योंकि आप अकेले निहत्ते गए थे, आपको मारने लगता है। मोहतरम साहब जब अब्दुल करीम मार कर रहा था तो यासिन खान साहब के अतराफ जो अब्दुल करीम के शागिर्द थे, जो मस्जिद में मौजूद थे, वो भी आपको मारने लगते हैं। इस कदर आपको मारा जाता है कि आपको उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है। यासिन खान साहब को मारकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है। आपको फेंकने की वजह से आपके सिर पर ऐसी चोट आ जाती है कि आपके सर से पैर तक खून बहते जाता है, आप सर से पैर तक खून में लहूलुहान हो जाते हैं। आप मस्जिद के बाहर एक हाउस के किनारे आकर बैठ जाते हैं। जब आप हाउस के किनारे बैठ गए तो आपका जो नौकर था, यासिन खान साहब का जो नौकर था, वो इस मामले को देख लेता है, देखकर दौड़ता हुआ चंचल हुआ आता है, आकर तमाम से कहने लगता है, क्योंकि दिन का माहौल था, तमाम मेहतरी जो हजरात थे वो कारोबार के लिए निकल चुके थे, तिजारत के लिए निकल चुके थे। मगर जब वो नौकर आता है, आकर सारा मामला सुनाता है, तो उस वक्त 17 मेहदवी जमा होते हैं, 17 मेहदवी जमा होते हैं। मोहतरम सामईन, उन 17 मेहदवी में 13 अफगानी पठान थे, 2 सादात थे और 2 शेख थे। 17 मेहदवी लोग जमा हो जाते हैं, दौड़ते हुए जुलू खाना की मस्जिद के पास चले जाते हैं। जब आप जाते हैं तो सारा मामला यासिन खान साहब सुनाते हैं।
مذہب سے اپنا تعلق رکھتے تھے وہ بھی وہاں پر آئے تھے. چونکہ محرم کے وقت ان کے مجالس ہوتے ہیں, وہ لوگ قلم نکالتے ہیں, تو آپ اسی بندوبست کے لیے, اسی تیاری کے لیے آپ وہاں پر آئے ہوئے تھے. جب منیر الملک کو یہاں پر موقع مل گیا کہ اب عبد الکریم سے اپنی دشمنی برابر کرنے کا حساب مل چکا ہے, اب مہدوی حضرات جا کر منیر الملک سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, ہمیں بس وہ عبد الکریم چاہیے, اس نے ہمارے مہدوی حضرت کو مارا ہے, ہم بھی اسے ماریں گے اور چلے جائیں گے. جب گفتگو چل رہی تھی تو عبد الکریم نے کیا کیا, شہر کے بڑے بڑے جو دروازے ہوا کرتے تھے, یعنی چادر گھاٹ کا جو دروازہ ہوا کرتا تھا, یاقوت پوری کا جو دروازہ ہوا کرتا تھا, دبیل پوری کا بڑا دروازہ جو ہوا کرتا تھا, اس نے وہ بند کروا دیا تاکہ مہدوی لوگ داخل نہ ہو جائیں. جب اس نے دروازے بند کروا دیے اور بادشاہ کے پاس ایک فوج ہوا کرتی تھی جو خصوص لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی, عرب کی فوج جن کے پاس بندوقیں ہوا کرتی تھی, وہ بادشاہ کی فوج کو بلا لیتا ہے. جب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی جو فوج تھی عرب کی, وہ مسجد کے بالا خانے پر چل جاتی ہے اور وہاں سے گولیوں کی پہچان کرنے لگ جاتی ہے. محترم سامعین, جو مہدوی حضرات منیر الملک سے گفتگو ہی کر رہے تھے, وہ جب گولیوں کی آواز سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اب بات چیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, چونکہ گولیوں کی آواز آ رہی ہے, اب یہاں پر مر مٹ کر ہی جانا ہے, نہ کہ مہدی پر اپنا سر لگا کر ہی جانا ہے. آپ یہ کہہ کر وہاں سے جب جاتے ہیں تو محترم سامعین, جب ان لوگوں نے گولیوں کی پہچان کی تو 17 مہدویوں میں سے چند مہدوی غائب غائب ہو جاتے ہیں, اور اس میں سے ایک عنایت خان صاحب تھے جو کہ اپنی عمر کے ایک حصے کو پہنچ چکے تھے, یعنی ضعیف ہو چکے تھے, پھر بھی آپ ورزش کیا کرتے تھے, تو لوگ آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں مگر اس عمر میں بھی ورزش کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو آپ کہا کرتے تھے پتا نہیں کہ اللہ مجھ سے کب کیا کام لے لے, اسی لیے میں اپنے جسم کو تیار کر رہا ہوں. تو ان 17 مہدوی میں سے وہ مہدوی موجود تھے, جب گولیوں کی برسات ہو رہی تھی تو مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا, آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, اپنے بازو سے مسجد کے دروازے کو لگاتے ہیں تو مسجد کا دروازہ کھل جاتا ہے, 17 کے 17 مہدوی اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب مہدوی اندر داخل ہو گئے تو پہلے ان لوگوں نے عرب کی فوج پر حملہ کیا, یعنی ہمارے مہدوی حضرات عرب کی فوج پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں وہیں پر شکست باز دے دیتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر مار ماری کا ماحول ہو گیا. جب آپ کے لیے جب یہ ماحول چل ہی رہا تھا تو عبد الکریم جو تھا, جو بڑا عالم تھا, علمائے سو تھا, وہ مسجد کے ایک گوشے تنہائی میں جا کر چھپ جاتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک مسجد کے کونے میں چھپ جاتا ہے. محترم سامعین, اب آپ کے لیے جب وہ چھپ گیا, یہاں پر لڑائی چل رہی تھی, تو اس دوران ہمارے ایک خان صاحب جن کا نام محمود خان صاحب تھا, آپ وہ گوشے تنہائی میں جاتے ہیں اور عبد الکریم کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کے گردن پر ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا ہو کر وہاں پر گر جاتا ہے, سر تن سے جدا ہو کر وہیں گر جاتا ہے, وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. بہت کم سامنے یہ ہمارے مہدوی حضرات اس قدر جوان مردی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں شکست سے پاس دے دیتے ہیں. بہت کم سامنے جب لڑائی مکمل ہو گئی تو جب ان لوگوں نے سروے کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر 2 مہدوی حضرات شہید ہوئے, باقی کے جو غیر مہدوی تھے وہ 30 غیر مہدوی حضرات شہید قتل عام ہو گئے. اب محترم سامعین, جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس کے بعد جنگ مکمل ہو گئی, یعنی لڑائی ختم ہو گئی, تو تمام مہدوی حضرات جو تھے اپنے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں. محترم سامعین, روایتیں یوں بھی ملتی ہیں کہ جب لڑائی چل رہی تھی تو ہمارے جو مہدوی حضرات تھے تسبیح کا اعلان کرتے ہوئے ان پر وار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ الہنا محمد نبینا, القرآن بل مہدی امامنا, آمنا وصدقنا, یہ کہہ کر وہ ان پر وار کرتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر فتح دی. بہرحال محترم سامعین, جب لڑائی ختم ہو گئی اس کے بعد مہدوی حضرات جو زخمی ہو گئے تھے, گھائل ہو گئے تھے, انہیں گھر لایا گیا. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ لڑائی مکمل ہو گئی, گھر کو لایا گیا, ان کی مرہم پٹی کی گئی, یہ کب کی بات ہے؟ چاند رات کی بات ہے, یعنی محرم لگنے والی تھی تب کی بات ہے. اب آپ دیکھیے, جب محرم کی پہلی تاریخ آئی تو پورا ماحول خاموش رہا, یعنی اس دن کچھ لڑائی نہیں ہوئی, کچھ فیصلہ نہیں ہوا. جب 2 تاریخ آئی
तो अब्दुल करीम के साथ जो लोग जहन्नुम रसील हो गए थे, तवज्जो चाहता अब्दुल करीम के साथ जो लोग शहीद हो गए थे उसमें से एक शख्स था जिसका नाम तातार मोहम्मद खान। आप देखिए तातार मोहम्मद खान कौन था, इज्जत यार खान का भतीजा था। अब इज्जत यार खान कौन था, आप देखिए इज्जत यार खान कौन था, उस दौर का जो बादशाह था वजीरुल वजीर उसका नाम था, यानी वो वजीरों का वजीर था, आला अधिकार पर फायज था। अब मोहतरम सामईन जब तातार मोहम्मद खान कत्लेआम हो गए तो वो नूरुल औलिया के पास जाता। नूरुल औलिया गैर महदवियों का एक बहुत बड़ा आलिम था। नूरुल औलिया के पास जब वो जाता है तातार मोहम्मद खान का चचा जिसका नाम इज्जत यार खान था, वो नूरुल औलिया के पास जाता है, जाकर सारा मामला सुनाता है कि महदवी हमें इस कदर जो है ना तकालीफ दे रहे हैं, हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जहन्नुम रसीद कर रहे हैं। तो वो मक्का मस्जिद में तमाम लोगों को जमा करता है, क्योंकि उस वक्त सुन्नतुल जमात की जो लोग थे उनकी तादाद बहुत थी। मक्का मस्जिद में तमाम लोगों को जमा करता है और जमा कर ये कहने लगता है कि महदवी जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हम पर हमेशा हमला करने की सोचते हैं। जबकि चल ही रहा था तो बादशाह का एक वजीर था जो गैर मजहब से अपना ताल्लुक रखता था और महदवियों की फितरत से भी वो वाकिफ था, जिसका नाम राजा चंदूलाल। क्योंकि वो गैर मजहब से अपना ताल्लुक रखता था, जब उसे इस बात का इल्म हुआ कि राजा चंदूलाल को इस बात का इल्म हुआ कि महदवियों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, बरकलाया जा रहा है, तो फौरन मक्का मस्जिद के पास आता है, आकर कहता है कि अभी ये जो मामला है वो हुकूमत के पास है, आप लोगों को अभी नहीं भड़का सकते, यानी आप लोगों को महदवियों को मारने का हुक्म नहीं दे सकते, ये महफिल ये मस्जिद बर्खास्त करिए। तो महफिल बर्खास्त कर दी गई, तमाम लोग जो नूरुल औलिया था और इज्जत यार खान था वो तमाम लोगों को लेकर जामा मस्जिद के पास चले जाता है। मक्का मस्जिद से निकलकर जामा मस्जिद के पास चले जाते हैं। मोहतरम सामईन जामा मस्जिद जो थी वो तंग थी, यानी छोटी थी, वहां पर लोगों का मजमा जमा नहीं हो सकता था। जामा मस्जिद के पास चले जाते हैं, तब तक जो लोगों की जो भीड़ थी, जो लोग जमा हो चुके थे वो तमाम खत्म हो जाते हैं और वो मस्जिद बर्खास्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। अब आप देखिए कि नूरुल औलिया और इज्जत यार खान, तातार मोहम्मद खान का चचा इज्जत यार खान और नूरुल औलिया, ये दोनों मिलकर गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करकर ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ के जितने भी सुन्नतुल जमात के मसाजिद हैं, जितने भी खतीब हैं, जितने भी इमाम हैं, जितने भी मौलवी हैं, तमाम को खत लिखेंगे और खत में ये लिखेंगे तो कि तुम महदवियों के खिलाफ अपने लोगों को तैयार रखो, कभी भी जंग हो सकती है, तुम महदवियों के खिलाफ अपने लोगों को तैयार रखो। तो मोहतरम सामईन, चूंकि जुमेरात के दिन उन लोगों ने ये फैसला किया, दूसरे दिन जुमा था, जुमे के खुतबे में उन लोगों ने एक फतवा जारी किया। आप देखिए जब उन लोगों की तादाद बड़ी थी तो उनके मसाजिद भी कई सारे थे, तो हर खतीब को यानी हर खुतबा देने वाले को उन लोगों ने वो फतवा दे दिया। फतवे में क्या क्या लिखा आप गौर से समाज फरमाइए। उन लोगों ने फतवे में ये लिखा, यानी लोगों को बरगलाने के लिए ये लिखा कि आज हम महदवियों के खिलाफ एक जंग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और जो कुछ भी जो कोई भी इस जंग में शरीक होगा, शामिल होगा और फौत कर जाएगा, यानी इंतकाल मर जाएगा, उसे जंगे बदर का सवाब मिलेगा, जंगे अहद का सवाब मिलेगा। बहुत कम समय ऐसे ऐसे फतवे वो लोग महदवियों के खिलाफ गैर महदवियों को दिया करते थे। अब बहुत कम समय इस फतवे पे हमें ताजुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ की, कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनकी सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाले आलिम लोग, जब मेहदी मौऊद इस्लाम आएंगे तो उनकी मुखालिफत करने वाले सबसे ज्यादा लोगों की जो तादाद होगी वो आलिम उम्मा लोगों की होगी। मोहतरम सामईन आप देखिए, यही नहीं बल्कि बंदगी शाहपुरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में क्या हुआ, रंदे शौदा के दौर में क्या हुआ कि उन लोगों ने महदवियों के खिलाफ एक ऐसा फतवा जारी किया कि उस फतवे में ये चीज मौजूद थी कि एक महदवी को मारना 7 हज करने के बराबर, एक महदवी को मारना 100 लाखों को मारने के बराबर है।
थे। तो मोहतरम सामने अब यहाँ पर आप देखिए आज से 200 साल पहले क्या हुआ, उन लोगों ने महदवियों के खिलाफ यह फतवा जारी किया कि अगर कोई शख्स महदवियों को मारता है, उन्हें कत्ल करता है, तो उन्हें जंगे बदर जंगे अहद के वक्त सवाब मिलेगा। और वो लोग कयामत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ऐसे ऐसे फतवे देकर लोगों को बहकाया गया, लोगों को बहकाया गया, बहकाया गया। तो मोहतरम सामने नमाज जुमा के बाद तमाम लोग जबीलपुरा दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, तमाम लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। तो मोहतरम सामने आप अंदाजा लगाइए उनकी कितनी तादाद वहां पर जमा हुई होगी, कितनी तादाद जमा हुई, 1,00,000 का लश्कर उनका जमा हुआ, 1,00,000 का मजमा वहां पर जमा हो गया, जिसमें से 17,000 तो बादशाह के फौजी थे और 30,000 जो लोग थे वो आम सुन्नतुल जमात के जो लोग हुआ करते थे वो आम लोग हुआ करते थे। तो 1,00,000 का मजमा वहां पर जमा हो गया। मोहतरम सामने राजा का बादशाह का जो वजीर था, राजा सूरत जिसका नाम था, वो अपने एक हवारी से यानी जो मैसेंजर हुआ करता था, जो पैगाम लेकर जाया करता था, अपने एक हवारी से महदवियों के पास यासीन खान साहब के पास एक ये बात कहला कर भेजता है कि यहाँ पर इन लोगों ने 1,00,000 का मजमुआ जमा कर रखा है आप लोगों का खतले आम करने के लिए, लिहाजा आप महदवी हजरात यहाँ से चले जाइए, अपने मुकाम को अपने मोहल्ले को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाइए। तो मोहतरम सामने यासीन खान साहब ये अर्ज करने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि है हमारी तो और 2 से 3 घंटे यही रुक जा, उसके बाद जो मामला होता है जाकर राजा मेहनत कर बता दे। अब मोहतरम सामने जो हमारी था वो तो अपना पैगाम सुना दिया और वहां से चले गया। अब यहाँ पर 1,00,000 का मजमा जमा हो गया। अब महदवी हजरात को इस बात की इत्तला मिली, तो उस वक्त जो जंग हुई, जंग में आम कासिम लोग नहीं बल्कि मुर्शिदी ने इकराम का भी अमल रहा, मुर्शिदी ने इकराम भी उस जंग में मौजूद हुए थे। मोहतरम सामने अब मुर्शिदी ने इकराम में कौन से मुर्शिद, हजरत मुस्तफा मुबारक ने असहाब किबला, हजरत नजमुद्दीन गुल रोशन ने असहाब किबला, आप जो है सो याकूबपुरा दरवाजे के पास अपने साथ 170 लोगों को लेकर वहां पर खड़े हुए थे, आप ज़ियारत कर रहे थे और यहाँ पर जबीलपुरा दरवाजे के पास 1500 महदवी खड़े हुए थे, आजमपुरा दरवाजे के पास 2000 महदवी, लिहाजा मोहतरम सामने उस वक्त 4000 महदवी लोग थे और उनका लश्कर 1,00,000 का लश्कर था। जब इस बात की इत्तला उन गैर महदवियों को मिली कि यहाँ यासूपुरा दरवाजे के पास 170 महदवी हैं, वहां पर तादाद कम है, तो वो लोग जबीलपुरा से याकूबपुरी की तरफ रवाना हो जाते हैं, अपने तोपों को अपने घोड़ों को उस रुख की तरफ मोड़ देते हैं और यहाँ पर जबील याकूबपुरी के पास चले आते हैं। जब याकूबपुरी के पास आए तो हुकूमत की जानिब से दरवाजों को ताला लगा दिया गया था, मगर उन लोगों ने अपनी जोर जबरदस्ती से उन तालों को तोड़ दिया, दरवाजों को तोड़ के जरिए तोड़ दिया और दाखिल हो गए। और उस समय हजरत नजमुद्दीन या साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि पहला वार उन्हें करने दो, उसके बाद हमारा वार करेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, पलट कर जाने लगे। हजरत नजमुद्दीन या साहब पलट कर अपने साथ 170 लोगों को लेकर वापस हो रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, मंसूर खानानी जो बादशाह के यहाँ एक आला अहदेदार था और कट्टर सुन्नी था, उसने जब देखा कि ये महदवी लोग पलट कर जा रहे हैं तो उसने अपने तोपों को चलाया और महदवियों पर वार करने लगा। जब तोपें वार हो गई तो महदवी पलट कर आए, दौड़ते गए और उस मंसूर खान का सर कलम कर दिया और तोपों को अपने अंदर ले लिया और उन्हीं तोपों को पलटा कर उन गैर महदवियों के पास उन उलमाए सुपर चलाने लग गए। बहुत कम समय उन गैर महदवियों को इस कदर मारे पड़ी, रिवायत यूं मिलती है कि यासीन खान साहब या बंदगी का नाम लेकर उन पर वार कर रहे थे तो सफों के सफे कटते जा रहे, सफों की सफे कटती जा रही थी, कोई हजरत तस्बीह ले रहे थे, कोई हजरत सानी मेहंदी का नाम ले रहे थे, तो कोई हजरत बंदगी में का नाम ले रहे थे। जब आप नाम बंदगी में यहाँ पर जुड़ जाता है तो हस्ती की हस्ती मिल जाती है, आप वही बार करते आगे बढ़े। तो मौतम समय ऐसा हुआ कि वो लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। जब इस बात की इत्तला पालनपुर के महदवियों को मिली, हाँ, और लालगढ़ी के आगे एक मुकाम है जिसका नाम
59 हजरत शहीद हो जाते हैं और बाद में बात में आया है कि 110 लोग वहां से बचकर आते हैं और आज में बात में 150 लोग बताया गया है। तो 59 हजरत शहीद हो जाते हैं जिनमें से मुर्शिदीन इकराम यानी हजरत नजमुद्दीन उर्फ रोशन मियां साहब भी शहीद हो जाते हैं। मौसम समय ऐसा मामला हुआ और ये लड़ाई नमाज मगरिब तक चलती रही। उसके बाद जब वो लोग अपना मैदान छोड़कर भाग गए तो हमारे महदवी हजरात नबी नूरे के पास जाते हैं और अपने अपने महदवी हजरात पर जो लाशें मुबारक थी उन्हें वहां से उठा कर ले जाते हैं Thank you.